नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल पी के न्यूज। योगी जी, मस्जिद गए हैं कभी? बिना गए कैसे बोल सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है? जो भी हिंदू चिन्ह मिलने की बात कही जा रही है वो सब झूठ है। ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है मस्जिद के मुख्य इमाम मुफ्ती अब्दुल नोमानी का। उन्होंने और क्या कहा वो बताया। उससे पहले आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम पहुंच गई है। आज जांच का तीसरा दिन है। दूसरे दिन तो हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह देखने को मिले। तहखाने की पश्चिमी दीवार चीख चीख कर कह रही है कि ये हिंदू धर्म स्थल है। जांच के दौरान टीम को यहाँ से कलश मिले, स्वास्तिक चिन्ह मिले, आला मिला और कमल मिले, त्रिशूल मिले, मूर्तियां भी मिली। आज तीसरे दिन भी जांच जारी है। इधर मस्जिद के मुख्य इमाम मुफ्ती अब्दुल नोमानी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने इन दावों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू चिन्ह दिखाए गए वो हिंदू मुस्लिम के साझा संस्कृति के प्रतीक हैं, जिन्हें औरंगजेब ने मस्जिद में बनवाया था। 100 साल से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है। मस्जिद है, मस्जिद ही और मस्जिद रहेगी। और हमारे यहाँ इबादत गाह तो बहुत दूर की बात है, मकान के ऊपर मस्जिद बना दी गई और उसमें नमाज पढ़ना सही नहीं होता है तो उसमें मंदिर होने का ढांचा गिराने का कोई सवाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस्लाम में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी जाए। और ये औरंगजेब की बनवाई गई मस्जिद है और औरंगजेब से तो खासकर उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दीगर बादशाहों के मुकाबले औरंगजेब का मामला बिल्कुल अलग है। वो बहुत ज्यादा धार्मिक थे, हो ही नहीं सकता कि वो मंदिर बनवाकर मस्जिद बना दे। बल्कि वो खुद मस्जिदों के साथ साथ मठों के लिए और मंदिरों के लिए जमीन देते थे। मौलाना ने कहा कि वो हर जुमा को पढ़ाने जाते हैं, वहाँ कभी उन्होंने हिंदू चिन्ह का निशान नहीं देखा, तो वो कैसे मान ले कि उसमें ऐसे निशान होंगे। उन्होंने कहा कि मैं सवाल करता हूँ कि अगर मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई तो वहाँ हिंदू निशान क्यों छोड़ दिए जाएंगे? सब कुछ छुपा देंगे, सब बिल्कुल खत्म कर देंगे ना, क्यों उस निशान को खत्म कर देंगे? तो इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, इस दावे के अंदर कोई दम नहीं है। अब सर्वे आई है, रिपोर्ट आएगी। उन्होंने योगी के ज्ञानवापी पर बयान पर कहा, पहली बात तो ये है कि योगी जी कितनी बार मस्जिद के अंदर गए हैं, उन तक जो बातें पहुंचाई गई उसी पर वो बातें कह रहे हैं। अब मौलाना ने बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वहाँ हिंदू चिन्ह मिल रहे हैं वो बातें झूठी हैं, वो नमाज पढ़ाने जाते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई चिन्ह नहीं मौजूद है। औरंगजेब मंदिरों को जमीन देता था तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अब मौलाना के दावों पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताया। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।